दोस्तों हमास ने क्यों इसराइल पर अटैक किया? देखिए करंट सिचुएशन में हमास इसराइल के ऊपर अटैक्स को सस्टेन नहीं कर सकता। साथ ही इसराइल रिटेलिएशन में गाजा में जो करेगा वो फिलिस्तीनियंस के लिए नाइटमेयर होने वाला है। इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला है, आज हमास फिलिस्तीनियन कॉज का चैंपियन बनना चाहता है और अपने आप को करप्ट फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के अल्टरनेटिव के रूप में स्थापित करना चाहता है। दूसरा रीजन है ईरान का हमास को सपोर्ट। देखिये जो बाइडन की लीडरशिप में इसराइलीज और अरब पीस टॉक्स में थे, ऑलरेडी 2020 के इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद इसराइल के साथ यूएई एंड बहरीन ने पीस अकॉर्ड साइन किए और सऊदी अरेबिया भी इसराइल के साथ पीस टॉक्स में था। हेंस अगर यूएस इसराइल और सभी गुल्फ देशों को एक साथ ले आता तो ईरान को इस रीजन में इस यूएस लेड अलायंस द्वारा कॉर्नर किया जा सकता था। हेंस इन अटैक्स के बाद ईरान ने इस यूएस लेड अलायंस को बनने से पहले ही तोड़ दिया, क्योंकि इस अटैक के अगेंस्ट इजरायली काउंटर ऑफेंसिव के बाद अरब राइट्स का चैंपियन सऊदी अरेबिया डेफिनेटली इसराइल के साथ पीस अकॉर्ड साइन नहीं करेगा।